इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में महज 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किसी महिला की मांग कर रहा था, जिसके चलते महिला पर दबाव बनाने के लिए उसने यह अपहरण को अंजाम दिया था। दरअसल इंदौर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचकर महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे 5 वर्षीय बच्चे को कोई उठाकर ले गया है। बच्चे के पास से मोबाइल भी था जिसमें वो गेम खेल रहा था, वह भी गायब है। पुलिस तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की है। महिला के नंबर पर फोन आया कि बच्चे को जिंदा चाहते हो तो तथाकथित महिला को मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। इसी आधार पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया और बच्चे को 24 घंटे के भीतर ही खरगोन के पास जंगल के बच्चे को सकुशल बरामद किया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व में भी 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण की घटना को अंजाम दे चुका है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। गांधीनगर थाने में एक घटनाक्रम परसों हुआ, जिसमें एक दीपक नाम का आरोपी है जो वहाँ शुक्ला ईंट भट्टे पे काम करता है। उसी ईंट भट्टे पे फरियादी और उसकी पत्नी मंजू भी वहीं काम करते हैं। इस आरोपी ने फरियादी का बेटा है 5 वर्ष का, जिसका नाम अन्ना है, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और माता पिता का मोबाइल उसके हाथ में था। माता पिता अपने झोंपड़ी के अंदर थे और ये उस 5 वर्ष के निरीह बालक को लेकर के और भाग गया और कोई कारण तत्समय समझ में नहीं आया। माता पिता प्रथमतः इसको बच्चे को ढूंढते तलाशते रहे और जब वो नहीं मिला फिर उनको सूचना ऐसी प्राप्त हुई कि वो ये दीपक उसको लेके गया है, तो उसका तलाश की गई और फिर कालांतर में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट की गई, जिसमें कि अपराध दर्ज किया गया। ये एक सनसनीखेज अपराध था क्योंकि वो 5 वर्ष का अबोध निरीह बालक था और ये भी फिर तहकीकात में आया कि ये दीपक पूर्व में भी इसी प्रकार एक बच्चे को लेके चला गया था और उस पर भी अपराध दर्ज हुआ था। जानकारी लेने पर यह ज्ञात हुआ कि दीपक की पत्नी वहाँ से कहीं चली गई थी, माया किसी अन्य के साथ में, और उसको अपेक्षा यह थी कि ये जो फरियादी और उसकी पत्नी मंजू हैं वो अपने इन्फ्लुएंस से उस स्ट्रेंज वाइफ को वापस बुलवा सकेंगे और ये कंडीशन उसने इनके सामने रख दी कि जब तक उसकी पत्नी नहीं आएगी वो बच्चे को वापस नहीं करेगा। थोड़ा सा आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में भी चिंता की बात थी, बच्चा छोटा था। इस संपूर्ण घटनाक्रम में SP वेस्ट महेश जैन साहब, एडिशनल SP प्रशांत चौबे जी, हमारी CSP सौम्या, TI गांधीनगर यादव और इनके स्टाफ ने इसकी संवेदनशीलता को फिर समझा क्योंकि ये क्रिटिकल इशू था। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई, वहाँ मुखबिर लगाए गए खरगोन में और रात में ही टीम भेजी। वो टीम भी बड़ी बैलेंस टीम थी, जिसमें कुछ ऐसे लोग थे जो उसको जानने वाले थे, इन्फ्लुएंस कर सकते थे, महिला स्टाफ भी था और वहाँ जा कर के आरोपी को अरेस्ट किया गया उस और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। बच्चा सकुशल वापस आ गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें धारा 364 IPC भी इजाफा की गई है और अनुसंधान चल रहा है, किंतु ये एक सेंसेशनल समय था जिसका कि सुखद निराकरण हो सका है। दिसंबर माह में भी इसी युवक ने अपहरण किया था, तो क्या उसमें उसको सजा नहीं मिली या जेल से छूट के आया था वापस से उसने घटना अंजाम दिया? ये सेम इसी आरोपी ने इसी प्रकार का एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था, वो जमानत पे फिर बाहर आ गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।